में मोर नाचा किसने देखा किसने देखा। पलपल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जोक सपाट खत्म, क्योंकि जंगल में मोर नाचे कोई देखे ना देखे, मीडिया बंधु जरूर देखते हैं, और वो मोर कोई और नहीं भारतीय जनता पार्टी ही बन जाती है। और जब कोलकाता की बारी आती है या पश्चिम बंगाल की बारी आती है तो मीडिया बंधु इस कदर उतावले हो जाते हैं कि जैसे माने कि पश्चिम बंगाल इस देश का राज्य ही नहीं है, वो तो जैसे पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान या ये मान लीजिए कि श्रीलंका का एक टापू हो जिस पर दिन रात मीडिया को पिल जाना है। और पिल भी इसलिए गया मीडिया क्योंकि जेपी नड्डा की एक रैली थी और उस रैली के दौरान हमला हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के ऊपर हमला, और वो थप्पड़ पड़ जाता है जिसमें कैलाश विजयवर्गीय घायल हो जाते हैं, जो कि मीडिया द्वारा बताया जाता है। और जब मीडिया द्वारा बताया जाता है तो आला कमान नेता जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं वो पूरी तरीके से उग्र हो जाते हैं और एक के बाद एक ताबड़तोड़ ट्वीट करना शुरू कर देते हैं। और जब आला कमान नेता बोलेंगे तो डुगडुगी बजा दी गई है मीडिया के लिए, तो वो डुगडुगी लेकर के बंदर की तरह गुलाटी कैसे मारी जाती है यह हमारे पत्रकारों को अच्छे से मालूम है। और देश की सबसे बड़ी गद्दार राष्ट्र हो जाता है वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल जब देश का सबसे बड़ा गद्दार हो जाता है, जब जेपी नड्डा के ऊपर हमला कर देता है, तो उग्र होना भी उनका लाजमी हो जाता है। और इस तरीके से खबरों को प्रकाशित करके दिखाया जाता है कि जैसे सबसे बड़ा जो है वेस्ट बंगाल गुंडा राज बन चुका है, सबसे ज्यादा अपराध बढ़ चुका है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर हमला हो रहा है। अब आप सोचिए कि अचानक से वेस्ट बंगाल में गुंडा राज कैसे बढ़ गया, बीते 5 सालों से गुंडा राज नहीं था, ये 2 सालों से ही वेस्ट बंगाल को टारगेट क्यों किया जाने लगा, ममता बनर्जी मुस्लिमों की हितैषी है हिंदुओं की विरोधी है, ये कौन लगातार ट्वीट चला रहा है और कौन भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल में बैठ करके वेस्ट बंगाल की सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। ये लोग वही लोग हैं क्योंकि चुनाव के टाइम पर पेड वर्कर बन जाते हैं और सक्रिय हो जाते हैं कि वेस्ट बंगाल में भैया चुनाव आ रहे हैं, और वेस्ट बंगाल वो एक राज्य बन चुका है जहां भारतीय जनता पार्टी की बीते 5 सालों में दाल नहीं गली। और दाल इसलिए भी नहीं गली क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी के आला कमान जो तोते हैं जैसे सीबीआई हुई या एनआईए हुए, जब छापेमारी के लिए जाते हैं किसी अधिकारी को पकड़ने के लिए, टीएमसी के किसी नेता पर शिकंजा कसने के लिए, तो वो खुद ही वहां पर बंधक बना लिए जाते हैं, पुलिस का सपोर्ट मिलता है। और जब वेस्ट बंगाल की सरकार की सड़कों पर उतर करके ममता बनर्जी उनकी इन नीतियों के खिलाफ खड़ी हो जाती है, तो ममता बनर्जी देश की सबसे बड़ी गद्दार बता दी जाती है भारतीय जनता पार्टी और आला कमान नेताओं द्वारा, और मीडिया उसी को लेकर के दिन रात चलता रहता है और वही बातें लोगों के सामने रखने की कोशिश करता है। कल पश्चिम बंगाल में ये बताया गया मीडिया द्वारा कि जेपी नड्डा के ऊपर हमला हुआ, और जेपी नड्डा के ऊपर हुए हमले को लेकर के ममता बनर्जी समेत कई लोगों की तमाम प्रतिक्रियाएं आई हैं जो कि मैं आप लोगों को पढ़कर बताना चाहूंगा। कल पश्चिम बंगाल में नड्डा के ऊपर हमला हुआ और भारतीय जनता पार्टी का ये पूरी तरीके से नाटक करार दिया है ममता बनर्जी सरकार ने। तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के कथित कार्यकर्ता ने बृहस्पतिवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला किया। भगवा दल के नेताओं और प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि हमले में वरिष्ठ भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय सहित कई लोग घायल हो गए। एक और प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पूरे घटना को भाजपा का नाटक करार दिया। वहीं दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यपाल से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही घटनाक्रम को लेकर नाराज नड्डा ने हमले को अभूतपूर्व करार दिया और आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह चरमरा गई है तथा ये गुंडा राज में तब्दील हो गया है। तो वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा के इस नाटक के ऊपर भी पर्दा हटा दिया। उन्होंने कहा कि हर दिन हथियारों के साथ रैलियों के लिए आते हैं, वे खुद को थप्पड़ मार रहे हैं और इसका आरोप तृणमूल कांग्रेस पर लगा रहे हैं। जरा स्थिति के बारे में सोचिए, वे बीएसएफ,
सीआरपीएफ और सेना और सीआईएसएफ के साथ घूम रहे हैं और उनके जो भगवा गुंडे हैं वो भी उनके साथ घूम रहे हैं, तो फिर आप इतने भयभीत क्यों हैं? कैसे आपके ऊपर पश्चिम बंगाल में ही हमला हो जाता है जहां आप उल्टा दूसरी पार्टी के नेताओं को धमकाने पर लगे हुए हैं? ये सोच विचार करने का विषय है और इस पर लोगों को ध्यान देने की भी जरूरत है, जो कि ममता बनर्जी ने इस झूठ के ऊपर पूरी तरीके से पर्दा उठा दिया और भारतीय जनता पार्टी को भी बेनकाब कर दिया है। तो ममता बनर्जी के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह सहित कई केंद्रीय मंत्रियों तथा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने घटना की निंदा की। सिंह ने कहा कि लोकतंत्र ने राजनीतिक नेताओं को इस तरह से निशाना बनाना बेहद चिंताजनक है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले पर हुए हमले की गंभीरता को देखते हुए इसकी पूरी जांच की जानी चाहिए और इस घटना की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया, पश्चिम बंगाल के प्रवास के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद मैंने उनसे फोन पर बात कर के उनकी कुशल मंगल की जानकारी प्राप्त की। ये घटना पश्चिम बंगाल राज्य की गिरती कानून व्यवस्था को दर्शाता है। तो वहीं नाराज शाह ने भी ट्वीट कर दिया और एक वीडियो भी शेयर किया। वहीं भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने ट्वीट कर कहा, तृणमूल शासन में बंगाल अत्याचार अराजकता और अंधकार के युग में जा चुका है। टीएमसी के राज में पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरह से राजनीतिक हिंसा को संस्थागत कर चरम सीमा पर पहुंचाया गया है, वो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले सभी लोगों के लिए दुखद भी है और चिंताजनक भी है। उन्होंने लिखा, बंगाल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के ऊपर हमला बहुत ही निंदनीय है। उनकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। केंद्र सरकार इस हमले को पूरी गंभीरता से ले रही है। बंगाल सरकार को इस प्रयोजित हिंसा के लिए प्रदेश की शांतिप्रिय जनता को जवाब देना होगा। राज्यपाल धनखड़ ने घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य प्रशासन उनकी चेतावनियों के बावजूद कार्रवाई करने में विफल रहा है। और इसी के साथ साथ जो देश के गृह मंत्री हैं वो ये भी कानून व्यवस्था की मांग करते हैं कि पश्चिम बंगाल में भैया जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, क्योंकि हमला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के ऊपर हुआ है। तो चलिए, जब इतने सारे नियम कानून गिनाए जा रहे हैं और इतनी सारी बातें पश्चिम बंगाल के बारे में बताई जा रही हैं, गुंडा राज चल रहा है, लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, यहां तक कि जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं उन्हें भी पश्चिम बंगाल में बख्शा नहीं जा रहा है, तो बात उन राज्यों की भी की जानी चाहिए जहां पर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, महिलाओं के ऊपर आए दिन दुष्कर्म हो रहे हैं, उनकी हत्याएं की जा रही हैं। और गुंडा राज की बात वो लोग कर रहे हैं, वो राजनेता कर रहे हैं जिनके खुद के प्रदेश में गुंडा राज चरम सीमा पर है। पश्चिम बंगाल के गुंडा राज को गिना तो रहे हैं पर कभी उत्तर प्रदेश के गुंडा राज पर बोलने की हिम्मत जो भारतीय जनता पार्टी के नेता आज पश्चिम बंगाल के लिए दुहाई दे रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश में क्राइम रेशो एक नंबर पर क्यों है, इसके ऊपर कभी जुबान खोलेंगे या उस क्षेत्र के बारे में कभी बताएंगे जो कि मध्य प्रदेश इन्हीं की बीजेपी शासित राज्य में आता है, दूसरे नंबर पर है सबसे ज्यादा हत्याओं के मामले में, अपराधियों के ऊपर लगाम लगाने के मामले में। तो सोचने वाली बात है कि देश को किस तरीके से गुमराह किया जा रहा है, और जब हमला हो रहा है तो सिर्फ गोदी मीडिया का कैमरामैन और गोदी मीडिया के रिपोर्टर इर्द गिर्द नजर आते हैं जो इन खबरों को सबसे पहले प्रकाशित करके पश्चिम बंगाल सरकार को टारगेट करते हुए भी नजर आते हैं। तो ये तो वही बात हो गई कि जंगल में मोर नाचा, किसने देखा किसने देखा, जेपी नड्डा को थप्पड़ पड़ा सिर्फ मीडिया ने देखा, और मीडिया ने ही बवंडर मचाया, दिन रात कोसने का काम किया और आला कमान नेताओं ने ताबड़तोड़ एक के बाद एक ट्वीट करना पश्चिम बंगाल सरकार के लिए शुरू कर दिया।
तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने भी इसका जवाब दे दिया, जब आपके पास पूरी फोर्स है, सारी फोर्स लगी हुई है और आप रैली निकाल रहे हैं तो आपको भय किससे है, जब आपके लोग आपके साथ हैं तो आप पर हमले कैसे हो सकते हैं। और ममता बनर्जी ने इसे पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का नाटक करार दे दिया है। पश्चिम बंगाल से जुड़ी हर एक अपडेट को लेकर के मैं आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।